कश्मीरी पंडित हो या कश्मीरी मुसलमान हो, हम आपसे भाई भाई हैं। और यह हमारा भाईचारा है, सदियों का भाईचारा है, 70 साल का भाईचारा है। मेरी गुजारिश है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि वो होम मिनिस्टर साहब से कि इस मसले का जो है सॉर्ट आउट किया जाए। रॉयल बर्ड साहब के साथ जो अटैक हुआ है, जो एसपी को मारा है, जिस एसपी को मारा है, इन्वेस्टिगेशन हो जाए, इसके लिए स्पेशल कमीशन बन जाए ताकि इसका पता ये चल सके। इसके पीछे देखो सर, आप जानते हो कि बार बार हमारे इस गरीब और मजलूम लोगों को जो है अटैक किया जाता है। जो परसों एक अटैक किया गया और हमारे जो रहील भट्ट साहब, ही एज एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट सर्विस, वो एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, उस पर अटैक किया गया। उसके बाद बिंद्रू साहब को मारा गया। उसके बाद जो एक टीचर, एक उस्ताद को मारा गया श्रीनगर के अंदर। जो उस्ताद होता है या टीचर है, बिल्ड ऑफ नेशन, एक कौम का मेमार होता है, उसको मारा गया। हर रोज जो हमारे कश्मीर में जो है गरीब और मजलूम लोगों को मारा जाता है, मोहताज लोगों को मारा जाता है। और रहील भट्ट साहब ने क्या किया था, उनसे क्या, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था, उसने कौन सा जुर्म किया था कि उसको भी वहां पे अटैक किया गया और उसको मारा गया। ही हैज एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट सर्विस, वो एक गवर्नमेंट जॉब कर रहा था। जो एसपीओ है उसको मारा गया, वो अपने जो एसपीओ मारा गया वो अपने आईओएल के लिए, पेड के लिए गवर्नमेंट जॉब कर रहा था। ये क्या हो रहा है कश्मीर में, हमें इस बात की समझ नहीं आ रही है। लेकिन बड़ी अफसोस ये बात कहनी पड़ती है कि निहत्ते गरीब और मजलूम लोगों पे अटैक किया जाता है। कभी बिंद्रू साहब को मारा जाता है, कभी एसपी को मारा जाता है, कभी रॉयल भट्ट साहब को मारा जाता है। एक बात मैं मीडिया के जरिए क्लियर करना चाहता हूँ, कश्मीरी पंडित हो या कश्मीरी मुसलमान हो, हम आपसे भाई भाई हैं। और यह हमारा भाईचारा है, सदियों का भाईचारा है, 70 साल का भाईचारा है। इसको कोई तोड़ने की कोशिश न करे, क्योंकि हम उनके साथ शर्मशाना खड़े हैं। चाहे कश्मीरी पंडित है, हम साथ खड़े हैं। मरता है कश्मीरी मरता है, अगर कोई भी मरेगा लेकिन मरता है कश्मीरी, कश्मीरी मरता है। अगर एसपी मरेगा वो भी कश्मीरी मरता है, अगर सेविंग की होगी वो भी कश्मीरी मरता है। लेकिन मैं एलजी कश्मीर से गुजारिश करता हूँ, एलजी साहब ये मसले जो हो रहे हैं इनको हल किया जाए, इनको सॉर्ट आउट किया जाए, ताकि ये मसले जो हमारे कश्मीर के अंदर रोनमा नहीं होने चाहिए। क्योंकि कश्मीरी कश्मीरी मरता है और इस कश्मीर का मरता है, इसको कहा जाता है ये कश्मीर जो है ये औलियाओं की सरजमीन है, यहाँ पे औलिया लोग रहते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि वो होम मिनिस्टर साहब से कि इस मसले का जो है सॉर्ट आउट किया जाए। रॉयल भट्ट साहब के साथ जो अटैक हुआ है, जो एसपी को मारा है, जिस एसपी को मारा है, इन्वेस्टिगेशन हो जाए, इसके लिए स्पेशल कमीशन बन जाए ताकि इसका पता ये चल सके इसके पीछे क्या है। रॉयल भट्ट साहब, हम आपके साथ खड़े हैं शाना बशाना, हमारी जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम खड़ी है आपके साथ। कश्मीरी पंडित हो या मुसलमान हो, हम आपस में भाई भाई हैं। और हमारा भाईचारा है 70 साल का, इसको कोई तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। जी हम इस टाइम ब्लॉक रावलपुरा से हैं। हम ये चाहते हैं कि जो ये कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहे हैं पिछले 70 सालों से, चाहे यहाँ पे हिंदू है, पंडित है, कोई सिख है, चाहे ईसाई है या मुसलमान है, सब भाई भाई हैं आपस में। और इन पे जुल्म हो रहा है, मजदूमों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। कोई अगर इकतदार में है, कोई अपने एम्प्लॉयमेंट के किसी खाते में भी एडजस्टमेंट हो सकता है या कोई भी हो किसी खाते में भी, तो नहाते लोगों पर जुल्म करके इनको मारा जा सकता है। हम इस आपकी मीडिया की वसादत से ये अपील करते हैं कि खुदारा हम लोगों का आपसी भाईचारा न तोड़ें और हम लोगों को जीने का लीव एंड लीव लेट, हमें जीने दो और जीने का हक दो, क्योंकि ये जुल्म हो रहा है। और कश्मीरियों को बदनाम करने के लिए ये आज ये काम कर रहे हैं और कश्मीरियों को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। सैट भी प्रोटेस्ट करते हैं लेकिन हमारी आवाज़ को दबा दिया जाता है, हमारी आवाज़ को आगे नहीं उठाया जाता है। इसलिए हम आज भी ये कहते हैं कि हम मुसलमानों के लिए भी बोलते हैं और हिंदू के लिए, जो भी कश्मीर के अंदर है सब आपस में भाई भाई हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ना कि हिंदू मारा जाए ना मुसलमान मारा जाए, ये कश्मीरी को बदनाम करने के लिए ये मजलूम लोगों पर जुल्म करते हैं। हम कहते हैं प्लीज़ स्टॉप इनोसेंट किलिंग, ये कश्मीर के अंदर ऐसा काम ना किया जाए। हमारे ऊपर हम अपने LG मनोज सिन्हा साहब से, जो हमारे बड़ी बड़ी इकदार पार्टीज़ हैं, हम उनसे भी ये अपील करते हैं कि खुदारा हम लोगों के ऊपर रहम करें और ऐसा जुल्म ना करें, किसी को ना हत्या ना मारें और किसी के ऊपर ये जुल्म ना करें। ये आपकी मीडिया समझिए।